दोस्तों वैसे तो आपने इस दुनिया में कई तरह के ब्रिजेस देखे होंगे, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे एडवांस और अनोखे ब्रिज भी हैं जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। आज हम आपको दुनिया के सबसे बेहतरीन और यूनिक ब्रिजेस के बारे में बताएंगे जिसे देखकर आपका भी दिमाग चकरा जाएगा, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नंबर एक पर है रोलिंग ब्रिज। लंदन की एक बिल्डिंग के नीचे बना ये अद्भुत मॉडर्न ब्रिज इंजीनियरिंग का सबसे अनोखा और शानदार रूप है। इसमें लगे हाइड्रोलिक की मदद से ये आसानी से फोल्ड हो जाता है और फोल्ड होकर गोल भी हो जाता है। इस बिल्डिंग के नीचे नहर होने की वजह से वहां बोटों का आना जाना चलता ही रहता है, इसलिए यहां पर एक फिक्स ब्रिज बनाना मुमकिन नहीं था, इसलिए इस तरह के फोल्डिंग ब्रिज को बनाया गया। दूसरे नंबर पर है बियॉन्ड द लीनिंग ब्रिज। इंग्लैंड में बने इस यूनिक डिजाइन वाले ब्रिज की चर्चा पूरी दुनिया में बनी रहती है। ये दुनिया का पहला अकेला ऐसा ब्रिज है जो इस तरह से काम करता है। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। द लीनिंग ब्रिज को 1996 में डिजाइन किया गया था और इसके अनोखे डिजाइन की वजह से इसे बेस्ट डिजाइन का अवार्ड भी मिल चुका है। इसे बनाने में कुल 2 साल का समय लगा था। इसे खासकर पैदल चलने वाले लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इस नदी में बड़े बड़े शिप्स का भी आना जाना लगा ही रहता है। जब भी ये शिप्स क्रॉस होती है तो इस ब्रिज को मोटर की मदद से 40 डिग्री तक टेढ़ा कर दिया जाता है। दोस्तों इस शानदार और अनोखे ब्रिज के लिए एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। तीसरे नंबर पर है सोलर हॉफ बर्ग ब्रिज। इस ब्रिज को देखकर ऐसा लगता है जैसे हम 2050 की दुनिया में जी रहे हैं। रोबोट की तरह दिखने वाला ये ब्रिज नीदरलैंड में 2 सड़कों को जोड़ता है। यहाँ की नहरों में भी शिप्स के लगातार चलने की वजह से ब्रिज बनाना मुमकिन नहीं हो पा रहा था, लेकिन इंजीनियर्स ने ऐसा दिमाग लगाया कि कम लागत में उन्होंने एक ब्रिज खड़ा कर दिया। ये बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट में बना है। इसके पीछे लगा रोलर बोट्स के आने पर प्लेट को उठा देता है, जिसके बाद बोट यहाँ से बड़ी आसानी से निकल जाता है। ये ब्रिज आर्किटेक्ट की दुनिया का एक नायाब नमूना है और इसकी इसी खासियत की वजह से इसे ट्रांसफॉर्मर ब्रिज भी कहते हैं। चौथे नंबर पर है फॉलकरिक व्हील। फॉलकरिक दुनिया की ऐसी पहली लिफ्ट है जिसे इंसानों के लिए नहीं बल्कि बोट्स के लिए बनाई गई है। ये बेहद ही अद्भुत और यूनिक ब्रिज है। इसे रोटेटिंग एलिवेटर फॉर बोट्स भी कहते हैं। इस ब्रिज की मदद से बोट को एक नहर से दूसरे नहर में ले जाया जाता है। इस ब्रिज की हाइट 35 मीटर है। इसे साइंस का बेहतरीन एग्जांपल कहना गलत नहीं होगा। इसमें लगे व्हील्स किसी भी बोट को 5 मिनट में नीचे से ऊपर उठाकर दूसरे नहर में शिफ्ट कर देता है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा वाटर स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। दोस्तों हमारे देश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। पांचवें नंबर पर है पॉन्ट जैकोस कैबन ब्रिज। फ्रांस से निकलने वाली गोरोना नदी में बोर्डेक शहर पर दुनिया का पहला वर्टिकल ब्रिज बना है। ये दुनिया का पहला ऐसा ब्रिज था जो अपनी हाइट से वर्टिकली ऊपर चला जाता था। दोस्तों इस ब्रिज को मार्च 2013 में वहां के प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया था। इस नदी से लगातार जाने वाले बड़े क्रूज शिप की वजह से यहां ब्रिज बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए वहां के इंजीनियर्स ने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए इस ब्रिज को इस तरह से डिजाइन किया। ये ब्रिज 110 मीटर लंबा है और अपने हाइड्रोलिक लेस पिलर की वजह से मिनटों में ही 50 मीटर ऊपर चला जाता है और करीब साल में 120 बार ऐसे ऊपर नीचे होता है ताकि बड़े बड़े शिप्स आसानी से यहाँ से पार हो सके। छठवें नंबर पर है ईस्टर्न ब्रिज। जर्मनी में बना ये ऐसा रेयर फोल्डिंग ब्रिज है जिसे देखकर दुनिया हैरान है। कई सालों की मेहनत और बहुत सारे पैसे खर्च करने के बाद इस ब्रिज को डिजाइन किया गया है। इस ब्रिज के 3 अलग अलग भाग हैं और ये तीनों फोल्ड होकर एक साइड में हो जाते हैं, वही 10 मिनट में अनफोल्ड होकर वापस से अपना शेप भी ले लेते हैं। इसे 1997 में $10.5 मिलियन में बनाया गया था। इसे दिन में सिर्फ एक बार 1 घंटे के लिए खोला जाता है। सातवें नंबर पर है स्केलेन ब्रिज। स्केलेन भी दुनिया का सबसे अजीबोगरीब ब्रिज है। कोमा के आकार में इसे बनाने का मकसद शायद ही कोई समझ पाए। ये दुनिया का पहला ऐसा ब्रिज है जो ऊपर या नीचे नहीं बल्कि साइड होकर बोट्स के लिए जगह बनाता है। ये बहुत ही एडवांस और फ्यूचरिस्टिक ब्रिज है। यहाँ पर खड़े होकर आप आराम से बोट को जाते हुए देख सकते हैं। इस मॉडर्न और अमेजिंग ब्रिज को बनाने में $9 मिलियन खर्च हुआ था। इसे कॉन्क्रीट और स्टील से बनाया गया है और इसकी लंबाई की बात करें तो 57 मीटर है और एक साथ में 1,000 लोगों को भी कैरी कर सकता है। सातवें नंबर पर है फ्लाइंग फेरी। ये ब्रिज दुनिया का सबसे अजीबोगरीब ब्रिज है। असल में इसे नाव और ब्रिज का हाइब्रिड कॉम्बो कह सकते हैं। इसे स्पेन की 2 सिटीज को जोड़ने के लिए बनाया गया था।
बनाते वक्त सरकार ने इंजीनियर्स के सामने ऐसी शर्त रखी, नदी में चलने वाले बोट्स और उस पर जाने वाले लोग दोनों को ही कोई तकलीफ और इंतजार न करना पड़े, ऐसा डिजाइन बनाने के लिए कहा। इसलिए आर्किटेक्ट ने इसे इस तरह से डिजाइन किया। ये ब्रिज एक समय पर 6 कार और कई दर्जन लोगों को एक साथ छोड़ सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से कौन सा ब्रिज सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।